जी उमर साहब, ये सारे साथी जरा एक सेकंड बैठ जाएं जी, एक साजिद खान बैठ जाएं, जरा बैठे जरा। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं आपकी अटेंशन एक चीज की तरफ लाना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर ऑफ द डे आज शाया हुआ है जी, आपकी तवज्जो आईन पाकिस्तान की आईन इसके सेक्शन इसकी आर्टिकल 56 की तरफ आप आ जाएं और जरा ये पढ़ लें जनाब स्पीकर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आईन और कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है, तो इस हाउस का टेंशन मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेजिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल टूगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। इसका सबसेक्शन 2 पढ़ें, इसका है सर दैट द प्रेजिडेंट मे सेंड मैसेजेस टू ईच हाउस विद रिस्पेक्ट टू अ बिल व्हेन पेंडिंग इन मजलिस शूरा और अदरवाइज इन अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंड शैल विद द कन्वीनियंट डिस्पैच कंसिडर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। और इसका यह सर कि आपका एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेजिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज असेंबल टूगेदर एंड इन्फॉर्म द मजलिस शूरा ऑफ द कॉजेज ऑफ इट समन्स। अच्छा सर, इस पे यहाँ पे इसका पढ़े नंबर 4, प्रोविजन शैल बी मेड इन द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर ऑफ हाउस एंड द कॉन्डक्ट ऑफ हिज बिजनेस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ अभी आ जाए जनाब स्पीकर आप रूल 60 और रूल 62 पे। रूल 60 पे आ जाए जनाब स्पीकर, वो डिस्कशन ऑफ प्रेजिडेंट्स एड्रेस सबसेक्शन 2 है रूल 60 का सबसेक्शन 2। The President's address may be discussed by means of a motion of thanks moved by Minister for Parliamentary Affairs or any other and seconded by any member or any minister or a member. अच्छा सर, इस पे यहां पे जो अहम चीज है, जो सबसे अहम चीज है कि रूल 66 भी आप देखें कि notwithstanding that a day has been allotted for discussion in the President's address, इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने बकायदा मोशन मूव करना है कि इस हाउस ने प्रेसिडेंट का एड्रेस डिस्कस करना है। यहां पे ये ऑर्डर ऑफ द डे 1 अप्रैल का है जनाब स्पीकर, और ये इंफ्रक्चुअस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे डिस्कशन जो है वो किक ऑफ होगी, यहां पे मोशन मूव होगा, यहां पे हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पर कमेंट करेगा, उस पर स्पीच करेगा, उसके ऊपर हमारे ऑपोजिशन के अराकीन बात करेंगे, उसके ऊपर यहां पे तबसरा किया जाएगा कि क्या पर्ल्स ऑफ विजडम कहां से आई हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तब आप जा सकते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, यहां पे आप जहां पे आप देख लें जनाब स्पीकर कि यहां पे हमारे ब्रिगेडियर घोमन साहब के हलके में उन्होंने अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, वोट टेक अप नहीं हुआ इनके हलके में। कॉलिंग अटेंशन प्रेरोगेटिव है स्पीकर का सर, मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना सर। उस पर मेरी बात आप जरा तहमुल से सारे साथी सुन ले, ब्रिगेडियर घोमन साहब के हलके में मगर आज नहीं करूंगा। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप और बिजली बंद के इश्यूज हैं, तकरीर ना कीजिए, टेकअप होनी चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आईन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर, हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आईन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ब्राय करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। मिनिस्टर ये ठीक है, और या कोई मेंबर मूव करे मोशन, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता हूं जी, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स।
नहीं कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ ले, व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउबीटेड बाय यू, दिस इज रॉन्ग जी। लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए।